नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अतुल और ये है इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो। और स्क्रीनशॉट क्लिक करने के इसमें अलग अलग कुछ तरीके, पांच अलग अलग तरीके, आप पांच अलग अलग तरीकों से इसमें स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। और इसमें हम देखेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्ड इसका किस तरह से काम करता है, ये वाकई सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप स्क्रीनशॉट किस तरह से क्लिक कर सकते हो अपने इस फोन में। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल जाता है हार्डवेयर कीज, आपको वॉल्यूम डाउन और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है। तो इस तरह से जो स्क्रीनशॉट है वो मिल जाती है। फिर आपको यहाँ पे नीचे में ऑप्शन भी मिलता है, आप देख सकते हो जब आप स्क्रीनशॉट क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एडिटिंग का ऑप्शन मिलता है नीचे में। आप यहाँ पे स्क्रॉल शॉट पे क्लिक करके लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो। तो आपको जितनी स्क्रीनशॉट क्लिक करनी हो आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी क्लिक कर सकते हो इस तरह से, और बाद में फिनिश स्क्रीनशॉट कर सकते हो। और जब कभी भी आप स्क्रीनशॉट क्लिक करते हो तो आपको टूल बॉक्स दिखाई देता है, आप वहां से अपने स्क्रीनशॉट को शेयर और एडिट कर सकते हो। तो जब आप एडिट करते हो अपने स्क्रीनशॉट को तो यहाँ पे फ्रेम्ड स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक टाइप का मोबाइल फ्रेम जो मिलता है आपके स्क्रीनशॉट के अराउंड में वो मिल जाता है, जैसे कि आपने फोन की पिक ली है। और यहाँ पे आपको क्रॉप का ऑप्शन भी मिलता है, आप क्रॉप कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डुडल मिलता है, आप अगर कुछ ब्रश जैसा कुछ लिखना चाहते हो अपने हाथ से कुछ भी तो आप लिख सकते हो। अलग अलग कलर भी आपको अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे इरेज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ पे कुछ एरो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे सर्कल भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको मोजेक का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको कुछ चीज़ें ब्लर करनी है, मोजेक करनी है, तो आप जैसे मान लो अगर कुछ ये नाम है इसको ब्लर करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। स्क्रीनशॉट की टूल बॉक्स में इतने ऑप्शन मिलते हैं, आप एडिट कर सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों ये था पहला तरीका स्क्रीनशॉट लेने का। जो दूसरा तरीका है दोस्तों वो आपको क्विक सेटिंग टॉगल में मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे जाते हो तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो और आपको वही एडिटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है स्मार्ट पैनल का। जो जब आपने अगर स्मार्ट पैनल एक्टिव किया होगा तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको स्मार्ट पैनल से ऐसे स्वाइप करना है तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। आपके भी फोन में एक्टिव होगा, आपको देखना है कि इस तरह से स्मार्ट पैनल यहाँ पे कॉर्नर में होता है, इसे इस तरह से इसे एक्टिव करना है। अगर आपका स्मार्ट पैनल एक्टिव नहीं है तो आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे स्मार्ट पैनल, आपको इसे इनेबल करना है। और जो चौथा तरीका है स्क्रीनशॉट लेने का वो है थ्री फिंगर स्वाइप डाउन। तो जब भी आप थ्री फिंगर स्वाइप डाउन करोगे तब स्क्रीनशॉट इस तरह से क्लिक हो सकती है, तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हो। और अगर आप में ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब आपकी जो सेटिंग है उसमें इस सेटिंग्स को इनेबल करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाना है और आपको यहाँ पे जाना है एक्शन एंड जेस्चर में। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टेक स्क्रीनशॉट विथ थ्री फिंगर्स, तो आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना है, तब जाके आप थ्री फिंगर स्वाइप डाउन से स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। और जो आखिरी तरीका है वो है एक्सेसिबिलिटी का। तो मैंने यहाँ पे इसे इनेबल किया है, और इनेबल करने के बाद आपको टू फिंगर स्वाइप अप करना है अपने स्क्रीन पर। और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का बड़ा ऑप्शन भी मिलता है, आप इस पे क्लिक करके भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। हालांकि उसका प्रीव्यू आपको नहीं दिखाया जाएगा, लेकिन आप यहाँ से क्लिक करके उसका प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक्सेसिबिलिटी में ऑप्शन कैसे इनेबल करना है, आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी मेनू को इनेबल करना है यहाँ से। तो इसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पांच तरीकों से आप अपने फोन में स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। अब देखेंगे दोस्तों आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो तो उसकी क्वालिटी कैसी आती है, क्या वाकई वो स्क्रीन साउंड रिकॉर्ड कर पाता है। तो आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है, दो तरीके से आप स्क्रीन रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हो। आप तो पहले स्मार्ट पैनल से भी ये ऑप्शन एक्सेस कर सकते हो। जब आप स्क्रीन रिकॉर्ड करते हो आपको दो ऑप्शन मिलता है, आपको साइलेंट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आवाज के बिना, या फिर वॉइस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है साउंड के साथ। तो आपको जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है आपको सिलेक्ट करना है और आपको स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। और आपको फिर यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो टाइमर है यहाँ पे मिल जाता है, फिर आप यहाँ से उसे स्टॉप भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आप क्विक सेटिंग टॉगल में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आप एक्सेस कर सकते हो। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसीजर मिलती है, आप यहाँ से भी स्क्रीन रिकॉर्ड स्टार्ट कर सकते हो। मान लो दोस्तों मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड करना हुआ गेमिंग खेलते हुए, और मुझे जानना है कि वाकई ये सिस्टम साउंड गेमिंग का साउंड रिकॉर्ड करता है कि नहीं। तो मैं पहले तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू कर दूंगा, और
और इसके बाद मुझे अगर कोई गेम खेलना हो तो देखते हैं दोस्तों कि ये गेमिंग का साउंड रिकॉर्ड कर पाता है कि नहीं। तो दोस्तों इस तरह से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का प्रीव्यू मिलता है, आप यहाँ से देख सकते मुझे हो। अगर कोई गेम खेलना हो तो देख के दोस्तों कि ये गेमिंग का साउंड रिकॉर्ड कर पाता है कि नहीं। दोस्तों आपने देखा इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग साउंड रिकॉर्ड करता है, लेकिन आपने ये भी सुना होगा माइक का भी साउंड सुना होगा, तो एक साथ ये माइक और सिस्टम साउंड दोनों को रिकॉर्ड करता है। ऐसा नहीं कि माइक का साउंड रिकॉर्ड नहीं करेगा और सिस्टम साउंड का रिकॉर्ड करेगा, यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता। यहाँ पे दोनों वॉइस जो है दोनों साउंड रिकॉर्ड होती है। तो अगर आपको इंटरनल साउंड रिकॉर्ड करना है किसी गेमिंग का साउंड, तो आप श्योर करिएगा कि आसपास में ज़्यादा शोर ना हो और आप ज़्यादा बात ना करें। अगर ज़्यादा शोर होगा आसपास में और आप ज़्यादा बड़ी आवाज़ में बात कर रहे हो तो गेमिंग में भी आपका साउंड रिकॉर्ड होगा। तो ये इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्ड काम करता है, इसमें माइक और सिस्टम साउंड दोनों रिकॉर्ड हो जाता है। तो इसकी सेटिंग अगर आपको एक्सेस करनी है तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। फिर यहाँ पे आपको तीन सेटिंग्स मिलती है, आपको क्वालिटी कैसी चाहिए, पिक्चर क्वालिटी वो हाई मीडियम लो तो हाई रख सकती हो, ऑब्वियस आपको हाई रखनी है अच्छी क्वालिटी के लिए। और यहाँ पे साउंड, अगर आपको साउंड के साथ सुननी है रिकॉर्डिंग करनी है तो आप वेस्ट करिए, आपको अगर साउंड नहीं चाहिए तो आप साइलेंट करिए, तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता कि माइक का ही करना है साउंड या इंटरनल साउंड ही रिकॉर्ड करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिकॉर्ड स्क्रीन क्लिक पोजिशन, तो आपको अगर टचेस दिखाने हो, आपने गौर किया होगा जब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था तो मेरे जो टचेस थे वो टैप जो था वो भी रिकॉर्ड हो रहा था, आपने देखा होगा। तो आपको अगर ये रिकॉर्ड करना हुआ आपके टचेस तो भी आप कर सकते हो। तो था दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो इन्फिनिक्स होट 9 प्रो के फीचर्स के बारे में तो आप हमें पूछ सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।